हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर अभी स्लिप पावर रिकवरी वाली स्पीड कंट्रोल की मेथड समझ रहे हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर की। और लास्ट वीडियो से स्लिप पावर रिकवरी मतलब वोल्टेज इंजेक्शन मेथड, जिसको मैंने फेजर डायग्राम की मदद से लास्ट वीडियो में समझाया था, तो उसी को मैं एक्सटेंड कर रही हूँ। मैंने इंट्रोड्यूस की थी तीन केसेस, उन तीन केसेस में से एक मैं लास्ट वीडियो में डील कर चुकी हूँ, जिसमें कंडीशन ये थी कि ई जे इंजेक्टेड वोल्टेज जो था वो ई टू के 180 डिग्री आउट ऑफ फेस था, और साथ में उसकी क्वांटिटी को मैंने नहीं डिफाइन किया था कि छोटी है कि बड़ी है आई टू जेड टू के रिस्पेक्ट में, पर ई जे को मैंने 180 डिग्री आउट ऑफ फेस विथ ई टू डिस्क्राइब किया था। इस मेथड को ब्रेकिंग के रिस्पेक्ट में और मैं समझाऊंगी। चूंकि अभी स्पीड कंट्रोल की बात हो रही, तो अभी मैं ई जे का मैग्नीट्यूड कितना है उस पर मैं बात नहीं कर रही हूँ, पर ये दोनों मेथड्स में मैं ई जे को ई टू के साथ जीरो डिग्री फेज डिफरेंस पर रख रही हूँ, मतलब इन फेज रख रही हूँ। पर दोनों मेथड्स में फ़र्क ये है कि यहाँ पर ई जे जो होगा वो आई टू जेड टू से छोटा होगा, और यहाँ ई जे जो होगा वो आई टू जेड टू से बड़ा होगा। नेचुरली यहाँ पर डिस्कशन इन दोनों का इसलिए हो रहा है क्योंकि ये स्पीड कंट्रोल में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब आई टू जेड टू के रिस्पेक्ट में ई जे को ई टू के साथ जीरो डिग्री फेज डिफरेंस पर इंजेक्ट करना, या फिर आई टू जेड टू से बड़ा ई जे ई टू के साथ सेम फेज में इंजेक्ट करना, ये दोनों स्पीड कंट्रोल में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ई जे की कितनी क्वान्टिटी है जो ई टू के साथ 180 डिग्री फेज डिफरेंस पर है, तो मैं यही कहूँगी कि ये भी क्वांटिटी जो है वो आई टू जेड टू से छोटी है। बड़ी होती ई जे की वैल्यू जिसको हम 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ई टू के साथ इंजेक्ट कर रहे हैं, और आई टू जेड टू से ई जे बड़ा होता तो वो फिर ब्रेकिंग पोर्शन हो जाता, इसलिए वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आ सकता है कि यहाँ पर ई जे की क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू आई टू जेड टू हम ले रहे हैं और यहाँ हमने नहीं ली, तो उसका मैं जवाब दे दे रही हूँ। अभी तक किसी बच्चे ने पूछा नहीं, पर मैं पहले से बता दे रही हूँ कि ये तीनों चीज़ें हैं स्पीड कंट्रोल को कंट्रीब्यूट करने वाली। और यहाँ पर अगर ई जे को मैं आई टू जेड टू से बड़ा लेती हूँ, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ ई टू करती हूँ, तो वो ब्रेकिंग साइड में चला जाएगा, जिसका डिस्कशन ब्रेकिंग के साथ मैं कर लूँगी। अभी मैं आपसे केस टू डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें ई जे को हम जीरो डिग्री फेज डिफरेंस पर ई टू के साथ इंजेक्ट कर रहे हैं, मतलब ई जे एस ई टू को सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करेगा का मतलब सर्किट में वोल्टेज बढ़ गया, सर्किट में वोल्टेज बढ़ रहा है मतलब आई टू बढ़ेगा। तो एक्चुअली सर्किट में वोल्टेज बढ़ते से ही आई टू बढ़ेगा, पर स्पीड और स्लिप में एकदम से हमें चेंज नहीं नजर आएगा बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द रोटर। तो सबसे पहला काम करंट, जो सबसे जल्दी मैनेज कर सकता है, बढ़ सकता है, कम हो सकता है, तो आई टू यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो वही है, जैसे ई जे जो कि छोटा है आई टू जेड टू से, और इन फेज हम इंजेक्ट कर रहे हैं ई टू के साथ, तो रोटर करंट बढ़ेगा। जैसे ही रोटर करंट बढ़ेगा तो टाउ डी डेवलप टॉर्क भी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी बढ़ेगा, क्योंकि वो आई टू कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। लास्ट वीडियो, उससे पहले वाले वीडियो, सब जगह मैंने टाउ डी का एक्सप्रेशन लिखा था। टाउ डी जैसे ही बढ़ गया, तो अभी तक जो नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट था जिस पर मोटर काम कर रही थी, अचानक से हमने ई जे को इन फेज इंजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, टाउ डी बढ़ गया है आई टू के बढ़ने की वजह से रोटर करंट के, तो टाउ डी किससे बड़ा हो गया, लोड टॉर्क से, मतलब मोटर अब एक्सेलरेट होगी, क्योंकि ये डिफरेंस पॉजिटिव होता है तो एक्सेलरेशन होता है, मोटर एक्सेलरेट होगी मतलब स्पीड बढ़ेगी। कितनी, अभी मैं उस पर बात करती हूँ। स्लिप कम होगी, स्पीड बढ़ती है तो स्लिप कम होती, स्लिप कम होती तो एस ई टू की क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी, एस डबल डैश ई टू, मतलब इससे छोटी हो जाएगी, इसको इक्वल टू ना लगाओ अदरवाइज कन्फ्यूजन होगा। फिर जैसे ही एस डबल डैश ई टू बढ़ेगा, तो आपका करंट जो होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आई टू जो है वो कितना हो रहा है यहाँ पे, एस ई टू प्लस ई जे बाय जेड टू, ऐसा एक्सप्रेशन आई टू का अगर मैं मान के चलूँ, तो एस ई टू छोटा हो गया, तो आई टू करंट भी जो यहाँ बढ़ा था वो थोड़ा कम हो जाएगा। आई टू कम हुआ तो ये जो टॉर्क बढ़ा था ये भी कम हो जाएगा, पर स्पीड तो मोटर की बढ़ चुकी है। टॉर्क कब तक बढ़ेगा, तब तक जब तक कि नया ऑपरेटिंग पॉइंट नहीं आ जाता, मतलब फिर से टाउ डी, ये प्रोसेस करंट कम होना, टॉर्क का कम होना, ये तब तक सब चलता रहेगा जब तक कि टाउ एल की वैल्यू टाउ डी के बराबर नहीं हो जाती। जैसे ये टाउ एल इक्वल टू टाउ डी हो जाएगा,
नया ऑपरेटिंग पॉइंट मिल जाएगा। और वो नए ऑपरेटिंग पॉइंट पे स्पीड अब बढ़ी हुई है, पहले जो नॉर्मल स्पीड थी रोटर की या इंडक्शन मोटर की उससे ज़्यादा मिलेगी, पर ये स्पीड आपकी सिंक्रोनस स्पीड से छोटी है। अगर मैं कहूँ कि ये वाला पर्टिकुलर कंडीशन जब मोटर हमारी ऑपरेट हो रही थी नॉर्मल स्पीड पर और वो उसकी बेस स्पीड थी, पर जैसे ही उसके रोटर सर्किट में हमने एक चीज़ें इंजेक्ट कर दिया सपोर्ट ट्यूब टू द रोटर सर्किटरी, मतलब इन फेज विथ E2, तो फिर हमारी स्पीड बढ़ गई मोटर की। और सोच के देखिए ना बेटा कि इस वाले रोटर सर्किट को पावर कहाँ से मिल रही थी, सप्लाई साइड से, और वो उसकी वजह से मैकेनिकल पावर डेवलप कर रहा था और स्पीड मिल रही थी। अब इसी के सपोर्ट में और ज़्यादा पावर मिलने लगी तो नेचुरली स्पीड उसकी बेस स्पीड जो थी उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि डबली एक्साइटेड है ना मोटर, यहाँ पे डबली एक्साइटेड और इन फेवर है, मतलब डबली एक्साइटेड अगर ये केस कंसिडर करूँ तो डबली एक्साइटेड इन अपोजिशन था, मतलब यहाँ पे I2 करंट छोटा हो रहा था क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा था हमें माइनस साइन, तो यहाँ पे EJ इंजेक्ट करने पे वो सपोर्ट नहीं कर रहा था सप्लाइड पावर को, पर यहाँ पर EJ इंजेक्ट कर रहे हैं इन फेज विथ E2 तो वो सपोर्ट कर रहा है सप्लाई से आने वाली पावर को, इंजेक्टेड पावर सपोर्ट करी तो नेचुरली मैकेनिकल पावर ज़्यादा डेवलप होगी, टॉर्क ज़्यादा डेवलप होगा, मैकेनिकल पावर ज़्यादा डेवलप होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी। तो बेस स्पीड जो इंडक्शन मोटर की है उससे ज़्यादा स्पीड हमें मिलेगी, पर सिंक्रोनस स्पीड से कम होगी बेटा, ये सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा नहीं होगी। I2 अब मैं ये भी बताऊंगी बेटा कि सिंक्रोनस स्पीड से कब ज़्यादा होगी। अब नया करंट इस पर जो सेट होगा नेचुरली उसे मैं I2 डबल डैश बोल रही हूँ, तो वो कितना होगा S" E2 प्लस EJ डिवाइडेड बाय Z2 डबल डैश। Z2 की भी वैल्यू बदल के बेटा S" X2 की वजह से R2 नहीं बदल रहा है, S जो है S" X2 हो गया है, तो Z2 की भी वैल्यू मैं Z2" बोल दूंगी, ये करंट हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें अभी मैं फेजर डायग्राम पर भी बात करती हूँ। अब करंट बेटा कम हुआ था, यहाँ आपको प्लस साइन की वजह से बढ़ा हुआ दिख रहा है, पर S" की वैल्यू S से छोटी, इस वाले S से यहाँ का S" छोटा होने की वजह से ये I2' की लेंथ छोटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस I2, दिस I2" विल बी स्मॉलर। और साथ में जैसे ही स्लिप कम हुई थी, आपकी स्लिप कम हुई थी, स्लिप कम होने की वजह से SX2 जो होगा, मतलब SX2 बड़ा था और स्लिप कम होने की वजह से S" X2 छोटा हो गया। ये छोटा हो गया तो इसका मतलब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, छोटा है, इसका मतलब θ2 से θ2" छोटा रहेगा, मतलब आपका I2' करंट छोटी लेंथ है और ज़्यादा किसके करीब आ गया, E2 के पास आ गया, मतलब आपका पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया है। cos θ2" छोटा है θ2 से, मतलब इन हालातों से ये वाली कंडीशन बेटर हो गई है, पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया है क्योंकि करंट और वोल्टेज के बीच का यानी E2 और I2" के बीच का फेज डिफरेंस कम हो गया है। बट अगेन I2 cos थीटा विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो पहले जो मुझे फर्स्ट केस में सबसे पहले नॉर्मल केस में I2 cos θ2 था जो कि बराबर था I2' cos θ' के, जो कि अब बराबर है I2" cos θ2" के। आप लोगों को दिख रहा होगा, छोटा ज़रूर लिखा है पर दिख रहा होगा, मतलब I2 cos θ2 हमेशा इक्वल रहेगा। और वैसे भी देखिए करंट छोटा हुआ था, करंट छोटा हुआ था, I2" छोटा हुआ था, तो cos θ2 को इम्प्रूव होना पड़ेगा तभी ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, और वो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है बेटा। तो इस तरीके से इन पर्टिकुलर हालातों में पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है, स्पीड रेगुलेशन हमको अबव मिलता है, नॉर्मल बेस स्पीड के अबव स्पीड रेगुलेशन मिल रहा है पर लेस देन सिंक्रोनस स्पीड मिल रहा है। और KVL इक्वेशन यहाँ पर जो परस्यू होगी वो KVL इक्वेशन परस्यू होने वाली ये वाली होगी। अब इसको मैं I2" Z2" S" ऐसे भी लिख सकती हूँ बेटा, तो ये KVL इक्वेशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई होगी बेटा। इस तरीके से EJ को अगर सेम फेज में मैं E2 के साथ इंजेक्ट कर रही हूँ और EJ की क्वांटिटी I2 Z2 से छोटी रख रही हूँ, तब क्या क्या हो रहा है वो बताया। तब सबसे पहले जैसे EJ सपोर्ट में आया करंट बढ़ा, करंट ने फिर टॉर्क बढ़ाया, टॉर्क ने फिर एक्सेलरेशन बढ़ाया, स्पीड बढ़ाई, स्लिप कम हुई, स्लिप कम हुई तो S" E2 कम हो गया तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम होगा तो
टॉर्क भी कम होगा, यहाँ बढ़ गया था टॉर्क, अब टॉर्क कम होगा ताकि वापस से वो अपने आप को ऑटोमेटेड बैलेंस ऑपरेटिंग कंडीशन पर ले आए। जैसे ये होगा तो अब स्पीड स्टक हो गई, अब बदलेगी नहीं, नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट पर स्पीड जो होगी वो नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा होगी। इसका एक लॉजिकल रीज़न मैंने ये भी दिया कि ईजे ने सपोर्ट किया सप्लाई पावर के साथ, तो ज़्यादा मैकेनिकल पावर डेवलप हो रही, इसलिए स्पीड आपको बेस स्पीड से, इंडक्शन मोटर की बेस स्पीड से यहाँ पे आपको स्पीड ज़्यादा मिलेगी, पर सिंक्रोनस स्पीड से कम मिलेगी। मैं ये भी बताऊँगी आपको कि सिंक्रोनस स्पीड से कब ज़्यादा मिलेगी। तो I2 डबल डैश जो होगा, अब इस पर्टिकुलर स्पीड पर करंट जो मिलेगा, जिसको मैं I2 डबल डैश बोल रही हूँ, वो S डबल डैश E2 प्लस EJ अपॉन Z2 डबल डैश होगा। Z2 को Z2 डबल डैश, I2 को I2 डबल डैश क्यों बोल रही, वो सब समझ में आ रहा होगा बेटा। यहाँ पर स्लिप ही बदल जा रही है, पर ये करंट छोटा होगा, मतलब इस I2 से, इन हालातों से ये वाले करंट की लंबाई छोटी होगी। मैं यहाँ लिख के दे सकती हूँ आपको कि I2 डबल डैश छोटा है I2 से, तो करंट छोटा हुआ तो पावर फैक्टर बढ़ जाएगा टू कीप दिस कांस्टेंट एज लोड टॉर्क इज कांस्टेंट। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, पावर फैक्टर इंप्रूव होना चाहिए, तो दिख भी रहा है बेटा। क्यों पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि स्लिप आपकी क्या हो गई है, छोटी हो गई है, तो SX2 की क्वांटिटी कम हो गई, तो रिएक्टेंस कम हो गया, रिएक्टेंस कम हो गया तो सर्किट ज़्यादा पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर लेगा, अच्छे से इम्प्रूव कर लेगा। तो ये एंगल छोटा हो गया, छोटा हो गया तो करंट ज़्यादा वोल्टेज के पास आ गया, मतलब पावर फैक्टर इम्प्रूव हो गया। तो ये वाले हालात बेस वाले हालातों से बेटर है, या इस वाले हालातों से भी ये वाले हालात बेटर है, क्योंकि पावर फैक्टर इम्प्रूव हो रहा है और स्पीड हमें कहाँ पर मिल रही है, अबाउ बेस स्पीड हमें स्पीड रेगुलेशन मिल रहा है। अब कल लास्ट वीडियो और इस वीडियो में मैं ये कंपैरिजन कर सकती हूँ कि अगर आपको स्पीड रेगुलेशन बेस स्पीड से छोटे चाहिए, मतलब यहाँ पे स्पीड आपको NR से कम चाहिए, NRN से जब छोटी स्पीड्स चाहिए, तो आप ये वाली मेथड को फॉलो करिए केस 1 को, और जब आपको NRN से बड़ी स्पीड्स चाहिए तो आप ये वाली मेथड फॉलो करिए। पर हाँ, दोनों ही सिंक्रोनस स्पीड से छोटी स्पीड है, ये वेरिएशन भी नेचुरली बेस स्पीड से कम है, मतलब सिंक्रोनस से तो कम है ही, ये वाला स्पीड रेगुलेशन केस 2 वाला बेस स्पीड से ज़्यादा मिल रहा है हमें स्पीड वेरिएशन, पर फिर भी ये सिंक्रोनस स्पीड से कम ही है बेटा। सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा कैसे मिलेगा, उसके लिए मैं केस 3 डिस्कस करूँगी। आज मैं यहीं पर इनफ करती हूँ बेटा डिस्कशन, क्योंकि वो डिस्कशन भी बहुत लेंदी है, तो बहुत क्लमजी हो जाता है एक साथ इतना डिस्कशन आप लोगों को भी समझ पाना। तो उम्मीद है आपको केस 2 समझ में आया होगा, केस 2 से रिलेटेड वेराइटीज़ मैंने, या इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, EJ को हम छोटा इंजेक्ट कर रहे हैं I2Z2 से, EJ इन फेज इंजेक्ट हो रहा है, यहाँ पर स्पीड वेरिएशन आपको कैसा मिल रहा है, अबाउ बेस स्पीड मिल रहा है पर लेस देन सिंक्रोनस स्पीड मिल रहा है, पावर फैक्टर क्या हो रहा है, यहाँ पर इम्प्रूव हो रहा है क्योंकि रिएक्टेंस कम हो जा रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इस तरीके से आप इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स को या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे, यहाँ पे पावर फैक्टर वर्सन हो जाता है, स्पीड रेगुलेशन आपको बेस स्पीड से कम वाली मिलती है, पर मिल सकती है। EJ की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अगर आप आउट ऑफ फेज इंजेक्ट करेंगे E2 के साथ, तो आपको ये वाला स्पीड रेगुलेशन मिलेगा। EJ का इन फेज इंजेक्शन करेंगे E2 के साथ बाय कीपिंग दिस कंडीशन, तो आपको यहाँ पे हाई रेंज ऑफ स्पीड वेरिएशन मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ क्वालिटीज़ इसकी, कुछ क्वालिटीज़ इसकी, हमें किस टाइप का स्पीड रेगुलेशन चाहिए डिपेंड करेगा कि हम, या हमें जैसा स्पीड रेगुलेशन चाहिए वैसा EJ हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा रोटर सर्किट में बेटा। यहाँ पर स्पेसिफिकली EJ की क्वांटिटी I2Z2 से छोटी, यहाँ भी मैं कहूँगी I2Z2 से छोटी, अगर बड़ी होगी तो हम ब्रेकिंग साइड में चले जाएंगे, उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगी। I2Z2 की क्वांटिटी अगर EJ जो है वो I2Z2 से बड़ा इंजेक्ट हुआ, तो नेचुरली वहाँ पर स्पीड हमें अबाउ सिंक्रोनस स्पीड, मतलब सुपर सिंक्रोनस स्पीड वेरिएशन मिलेगा। तो ये पूरी समरी थी बेटा आज जो मैंने पढ़ाया आपको, तो उम्मीद है आपको मेरा डिस्कशन किया हुआ समझ में आया होगा। किसी भी टाइप का अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी वन बाय वन, मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगी बेटा, कोई भी चीज़ छोड़ूंगी नहीं। अगर मुझे कोई अच्छे क्वेश्चंस भी मिलते हैं दूसरे जगह पे, क्योंकि मेरा प्रोफेशन टोटली टीचिंग से ही रिलेटेड है, तो मुझे जहाँ भी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे मैं ज़रूर आप लोगों को सॉल्व करके यहाँ पे दूंगी।
तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट्स को डीप तक क्लियर करिए। थैंक यू।